फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 8 पुलिस कर्मियों के मौत के घाट उतारने वाले मोस्ट वॉन्टेड विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने जमीन और आसमान एक कर दिया है। सभी जिलों व टोल रोड पर पोस्टर चस्पा करने के साथ ही जबरदस्त नाकेबंदी की गई है। इनाम की धनराशि भी 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इन कोशिशों का ही नतीजा है कि पुलिस ने उसके बेहद करीबी अमर दुबे को बीती रात मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि 3 साथियों को गिरफ्तार भी कर दिया। विशेष बात यह है कि आज मुठभेड़ में हमीरपुर पुलिस ने जिस अमर दुबे को मौत की नींद सुला दिया, उसका विवाह 29 जून यानी 7 दिन पहले ही हुआ था। बीते 2 जुलाई की रात पुलिस इतिहास में काले अक्षरों में अंकित की जाएगी। इस रात ही दबिश देने गई पुलिस पर चौबेपुर के राजनीतिक बदमाश विकास दुबे ने अंधाधुन फायरिंग कर सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों को मौत की नींद सुला दिया था। इन हत्याओं के बाद वह साथियों के साथ भाग निकला था। पुलिस ने हथियारों की तलाश में उसके महलनुमा घर को उसी जेसीबी से जमींदोज कर दिया था, जिसे बीच रास्ते में खड़ा कर विकास दुबे ने पुलिस को आगे बढ़ने से रोका था। यूपी पुलिस के इतिहास में संभवतः यह पहली घटना है जब किसी मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इससे पहले मथुरा में जौहर बाग खाली कराने के चलते एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी व एसएचओ संतोष कुमार शहीद हो गए थे। विकास की तलाश में पुलिस ने बीती रात फरीदाबाद के एक होटल में छापा मारा था, लेकिन वह दबिश से पहले ही भाग निकला। बताया जा रहा है कि विकास के पांव में चोट लगी है और वह लड़खड़ाकर भी चल रहा है। पैर में चोट और पुलिस का जमीन आसमान करना इस बात का संकेत है कि अब विकास दुबे का अंत काफी नजदीक आ चुका है। फरीदाबाद से अंकुर व प्रभात को गिरफ्तार किया गया है। हमीरपुर पुलिस के हाथों मारे गए अमर दुबे की 7 दिन पहले ही शादी हुई थी। वह विकास के चचेरे भाई संजय दुबे का बेटा है। साथ ही श्यामू वाजपेयी को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके भी पांव में गोली लगी है। कभी पुलिस के बड़े अफसरों को जेब में रखकर चलने वाले व एसटीएफ में गहरी पैंट रखने वाला विकास दुबे की जान अब आफत में पड़ चुकी है। आज दोपहर प्रदेश के कानून व्यवस्था एडीजी प्रशांत कुमार ने मीडिया को अब तक हुए घटनाक्रम व तलाश अभियान व गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने अंत में यही कहा कि जो लोग भी कानपुर घटना में लिप्त रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। यह कृत्य करने वालों को पछतावा होगा और अभी तक की गई कार्रवाई एक नजीर साबित होगी। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।